महाविद्यालय में सीट बढ़ाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया ज्ञापन। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की महाविद्यालय में सीट हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ज्ञापन। कुलपति के नाम प्राचार्य महोदय नरसिंहगढ़ को सौंपा। जो हमने इस संदर्भ में छात्र संघ के पदाधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर छात्रों की संख्या अधिक और विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर हमने प्राचार्य महोदय को एक आवेदन दिया था। ज्ञान में था तो इसके लिए प्राचार्य को एक दो बार और संज्ञान में दिला दिया था कि छात्रों को एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो सीट रद्द के लिए बोला था प्राचार्य से, लेकिन ज्ञापन नहीं दिया। मौखिक अवगत कराया था, अवगत करा दिया था, इसके बाद भी उन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं, कोई संज्ञान नहीं, ज्ञापन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन दिया, छात्रों को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कॉलेज में बहुत कम मात्रा में सीटें बची हुई थी। महाविद्यालय की ओर से बीए में एक या दो सीटें बाकी थी, इसीलिए छात्रों के इतने ध्यान छात्रों का ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया क्या? प्राचार्य ने बोला कुलपति के नाम ज्ञापन कुलपति के नाम दिया है, तो उन्होंने बोला कि कुलपति को ज्ञापन भेज के इसको जो भी होगा वो आपको दो या तीन दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, पूर्व में भी क्या आपके द्वारा प्रिंसिपल को अवगत कराया गया था इससे? क्या इससे पहले? अभी तो अवगत नहीं कराया गया। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।